भाइयों, आज हम अपने ट्रेंच गन्ने में जो 21 फरवरी को हमने इसकी बुआई की थी, इसमें हम आज गैप फिलिंग करेंगे। ये देखिए, कुछ हमने इसमें ये पौध लगाई थी, यहाँ लगभग 300 बड़ लगाई थी, और ये आज इसे हम पाड़ रहे हैं। इसमें भाइयों, जहाँ जहाँ छीदी है हमारी गन्ना, वहाँ वहाँ हम इसे लगाएंगे। और इसके बीच का खोड हमने इसकी 2 बार नलाई हो गई इसकी, एक बार मजदूरों से करवाई है, एक बार हाथ से कर दी। ये देखिए, वैसे ऐसे ज़रूरत तो नहीं है ज़्यादा कि ज़्यादा गैप हो कहीं, लेकिन जब है हमारे पास पौध तैयार तो हमने सोचा ये लगाई दे आज। और इसमें कल को खाद दवाई लगेगी, पानी चलेगा। ये देखिए, चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हमने ये तैयार की है। भाइयों, एक साथ ही हमने एक एक आंख काट कर छोटी, ये देखिए इतनी बड़ी आंख काटी थी हमने, आंख के दोनों तरफ से, और ये लगा दी थी एक एक दोहरे से। लेकिन इसमें भाइयों एक कमी रह गई थी, इसमें हमने नीचे कुछ नहीं लगाया था, पन्नी वगैरह, गट्टा वगैरह। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आज हम इसे वो खोड़ रहे हैं। अगर पन्नी लगती ना इसमें, पन्नी देखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अब भी नीचे पन्नी होती तो और आसानी से ये उखड़ती। ये देखिए, अब कुछ जोर लगाने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा नस्सा भी टूट रहा है। ये देखिए, काफ़ी पौध है, कहीं भी थोड़ी सी भी गैप होगा हम वहाँ भी लगाएंगे। वैसे 13,235 बीज ऐसा है, इसमें गैप रहता नहीं, बहुत अच्छा जमाव होता है। ये देखिए कितने शानदार नस्से हैं इसके। भाइयों, कल को हम इसमें खाद दवाई देंगे, वो वीडियो भी मैं चैनल पर डालूंगा, क्या क्या लगा रहे हूँ। कोई भी चोरी नहीं रहने की, हर बात आपको बिल्कुल सामने दिखाई जाएगी। बहुत से लोग चुप चुप डालते हैं खाद दवाई, ऐसा नहीं है। और इस खेत की मैं जो जो भी कार्य होंगे इस खेत में, देखो ये भाइयों ऐसा है, ये टूट गया, अगर इसमें नीचे पन्नी होती ना ये गट्टा, तो ये इतना दबाव ना रहता इस पे। तो भाइयों, अब हम इसकी गैप फिलिंग करेंगे, दिखाऊंगा आपको वो भी जहाँ जहाँ लगाई जाएगी। ये देखिए, काफ़ी पौध हो गई इसमें। भाइयों, मैंने मेज से गलती से ऊपर पाँव धरा गया था पौध पे, तो देखो ये ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं आ रही, पौधे ने फिर भी बढ़िया चल लिया है। तो आज हम ये पौध लगा के कल को खाद दवाई दे के पानी देंगे, क्योंकि भाइयों पछुआ हवा बहुत तगड़ी चल रही है, पानी मांग रही है सब खेती। कुछ लोग बारिश बता रहे हैं, लेकिन बारिश तो मुश्किल है जो कि हो। देखो ये सूख गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो तो ख़राब हो ही जाता है। तो भाइयों, आप जब भी गन्ना बोएं अपने खेत में, तो आप जैसे कि अब खरसा में गेहूं कटाई के बाद किसान भाई गन्ना बोएंगे, तो उसमें गन्ना छिद्दा रह जाता है, तो उसके लिए आप अगर एक एकड़ गन्ना लगा रहे हैं, तो लगभग 200-250 आँख नर्सरी के रूप में लगाएं अलग साइड में उसी खेत में, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ जहाँ गैप रह जाएगा वहाँ वहाँ ये पौध लगा देना, क्योंकि भाइयों इसमें खड़पस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पक्षी काटने का वो रहता कि आँख वो कटर से ये काटी जाती है, बस यही दिक्कत है थोड़ी सी, वरना लगाने में तो कुछ वो नहीं है। ये हमने एक साथ इकसार करके सहरा, और एकदम एक पास एक धर दी इकसार, बिल्कुल बहुत अच्छी पौध हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए भाइयों, चलो अब दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम लगाएंगे इसे। भाइयों, थोड़ी सी ये सिसो है यहाँ, सिसम, तो इसकी छैल है, तो कुछ लेट जमा हो रहा है। हमें पहले ऐसा लग रहा था इसमें कि यहाँ छैल में, पेड़ों की छैल में कुछ कम होएगा, लेकिन बढ़िया जमा हो रहा। देखियो भाइयों, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो अब इसमें हम ये गदा ली हमारी,
जिसे कुसला कहते हैं हम अपनी भाषा में, बताना आप कमेंट करके कि आप इसे क्या कहते हैं। तो देखो भाई, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ लगा देंगे एक, और देखो देखो भाइयों, ये ऐसा लग रहा कि ये है। तो भाइयों देखो, ये जम गया यहाँ, ये जम गया यहाँ, ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों देखो, तो देखो ये सब गैप है यहाँ, तो इसमें हम डेढ़ डेढ़ फीट पर यहाँ लगा देंगे। ये देखो, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लगाएंगे हम। देखो कोई ज़्यादा गहरी नहीं है, ये लगा दिया। एक हाथ से थोड़ा सा दिक्कत आती, ज़्यादा गहरा मत लगाओ, बस एक इंच मिट्टी इसमें लगानी चाहिए। ये देखो भाइयों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। भाइयों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ पर तो हो रहा है जमाव, कुछ लेट हो रहा है यहाँ भी। देखो ये पच्ची खराब हो गई, इसमें आँख ही नहीं थी, इस वजह से ये नहीं जमी। तो यहाँ भी लगेगा, देखो भाइयों सब जमा हो रहा है। ये देख के ये सब जम रही है, ये देखिए। तो जहाँ है वहाँ छोटा भी है, वहाँ भी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाइयों, वीडियो लास्ट तक देखें, टोटल जानकारी दी जाएगी। इसमें जो कल को डोज लगेगी, दवाई लगेगी और यूरिया लगेगा। भाइयों 13-235 को कोई इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रोथ प्रमोटर लग जाए वही काफ़ी है। भाइयों देखो ये बहुत अच्छा जमा हो रहा है यहाँ। भाइयों ये देखिए, अब तो जगह ही नहीं मिल रही हमें, कहाँ दाब बहन है। मजे की बात तो ये है, सब जगह गन्ना जम गया है। देखिए भाइयों ये जो पोया ख़राब हुआ है, ये गाय का पाँव है। ये देखिए गाय और बछड़े इतने घूम रहे हैं, और एक जगह ये खाए भी ली थोड़ी सी। भाई ये देखिए जगह ही नहीं मिल रही कि कहाँ दाब है, पर जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह होगी। पहले हमें ये लग रहा था कि बहुत जगह है, लेकिन सब जम आया गन्ना। देखो ये मेड़ा करने लगा गन्ना, ये देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये गाय खाए गई से ये सब मेड़ा। भाइयों ये आगे की पक्षियाँ हैं, ये जो ज़्यादा मेड़ा चमक रहा। ये देखिए भाइयों कितना शानदार जमाव है। ये देखिए कहीं भी कोई गैप नहीं है, छिद्दा छड़ा गैप है, वहाँ वहाँ हम ये पौध लगा रहे हैं। भाइयों इसे हम पहले ही लगभग अब से 10 दिन पहले डोज देने की सोच रहे थे, लेकिन बारिश हो गई और घास इतनी हो गई कि हमें ये दोबारा नलानी पड़ी। ये देखिए खड़े इसमें कितनी घास है। ये देखिए इस लब कोई देखे खेत को तो नू कहेगा इसमें गन्ना नहीं बोया, घास ही बोई है। भाइयों कल की वीडियो मैं डालूँगा, उसे देखना। और ये पौध हमने लगा ही रहे हैं, कुछ रह गई ये अभी थोड़ी देर में लगा देंगे। ये देखिए इतनी पौध हमारी बच गई, ये सारी पौध हम लगा के जब ही जाएंगे घर को। तो भाइयों आपको गन्ना कैसा लग रहा है हमारा, ज़रूर बताएं कमेंट में करके। और कोई जानकारी लेनी है या कोई आपको अपनी राय देनी है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए भाइयों अगर खूट्स लाइन लाइन देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया गन्ना लग रहा है। ये देखिए बढ़िया लग रहा है गन्ना। और वैसे बीच में देख रहे हैं तो इसलब साइड से देख रहे हैं तो घास, और इसलब देख रहे हैं तो बहुत अच्छा गन्ना लग रहा है 13-235। अब भाइयों हमें बीज नहीं मिल लिया
13235 का, वरना हम 38 बिल्कुल भी ना बोते। लेकिन अब गेहूं कटाई के बाद हमें बोना पड़ेगा। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं। ठीक है भाइयों, नमस्कार।